मंदिर का घोड़ा है इसकी। पिछले साल हरियाणा चैंपियन बना था घोड़ा दीवानी में। काफी है, दूध है, खोआ है, शौक के लिए रखा क्या है। 2 करोड़ रुपए लगे थे इसके पीछे। सबसे पहली अगर हमारी शुरुआत करें तो जो स्टॉल हमने देखा है इसमें घोड़ा है, घोड़े के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम? महंत राकेश गिरी। कहाँ से हैं? कारी मेला, इंदोखला धाम। अच्छा, आप जो घोड़ा यहाँ लेके आए हैं इसके बारे में कुछ कोई खास बात बताएंगे? ये पिछले साल हरियाणा चैंपियन बना था घोड़ा दीवानी मेले में। की कोई कीमत नहीं है, ये तो अनमोल है, मंदिर का घोड़ा है, इसकी कोई कीमत नहीं। अच्छा, ये मंदिर का घोड़ा है, बेचने के लिए नहीं है? बेचने के लिए नहीं है। खास बात ये है, अभी इसकी उम्र 4 साल है। देसी गाय का दूध पीता है 6-7 किलो रोज का, और चने खाता है, और चूरमा देसी घी का, और बाजरा हो गया, गेहूं की दलिया हो गई, ये सभी खाता है। अच्छा, इसमें जो डाइट प्लान बताया आपने, काफ़ी चीज़ें बताई हैं, क्या इनकी मात्रा सीमित होती है? हाँ, मात्रा वो तो पशु देखा जाता है, पशु को जितना स्टेमिना है उसी हिसाब से खिलाया जाता है। जैसे ये बड़ा बच्चा है, 4 साल का हो गया, तो मतलब 2.5-3 किलो सुबह, 2.5-3 किलो शाम को इसको चना हो गया, जौ हो गया, ये सब मिक्स करके खिलाते हैं। कहाँ से लाए थे इसको? इसको लाए थे, ये झज्जर में एक मेला लगता है घोड़ों का, फेरी में, वहाँ से लाए थे। इसकी कोई नस्ल के बारे में बताएंगे? ये नुकरा नस्ल है, नुकरा। अच्छा, इसको दौड़ वगैरह में भी आप ले जाते हैं? दौड़ में अभी तक तो ले नहीं गए, वैसे आश्रम में ग्राउंड है उसमें दौड़ाते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम जयपाल है जी। जयपाल जी, आपके पीछे जो घोड़ा खड़ा है इसके बारे में क्या विशेष बात है? ये इंदोखला धाम कारी मेला जी, कडेरे का है जी, 8 गांव का जी। हाँ, जो आपके साथ जो संत, उन्होंने बताया कि अनमोल कीमत है, अन्मोल किस तरह की कीमत? अनमोल है जी इसकी। हाँ, शौक के लिए रख रखे है ये, और 2 करोड़ रुपए लगे थे इसके पीछे जी। अच्छा, 2 करोड़? हाँ जी। बेचा क्यों नहीं? बेचा अनमोल से तो बिकाऊ सही कौन जी। अच्छा, इससे पहले कोई इन्होंने जो प्रतियोगिता जीती? हाँ बिल्कुल जीती है जी, पीछे भिवानी हरियाणा चैंपियन है जी। पिछली साल हरियाणा चैंपियन रह चुका है। अगर नाम क्या रखा है? मंगल। मंगल घोड़ा इस वक्त आपके पीछे होगा, आप देख रहे हैं, पिछले साल हरियाणा चैंपियन रह चुका है। क्या डाइट प्लान होता है, किस तरह से ध्यान रखा जाता है? डाइट तो काफी है, दूध है, खोआ है, और ये मान के चलो दलिया हो गया, चना हो गया, देसी घी का चूरमा, मतलब सब देसी खान पान चल रहा है। हाँ जी, कहाँ से आप? कारी से जी। अच्छा, आपके घोड़े में क्या खास बात है? ऐसे तो वहाँ ये समाधि मंदिर है, प्राचीन सदियों पुराना, वहाँ की परंपरा थी, वहाँ पर घोड़ा था, उसी से महाराज ने आगे बढ़ते हुए महतरा के श्री ने घोड़ा लिया। देखिए, जो आप पीछे देख रहे हैं मंगल, इस घोड़े का नाम है, और इनका कहना है कि पिछली साल ये हरियाणा चैंपियनशिप जीत चुका है। और खाने की बात करें तो काफ़ी डाइट प्लान इन्होंने बताया है कि काफ़ी अच्छे से इसका रख रखाव किया जाता है, काफ़ी जो डाइट उसका भी ध्यान रखा जाता है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।